गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और यार बड़े दिन बाद कुछ वीडियो वगैरह बनाने की सोची और बड़े दिन बाद आ रहा हूँ यूट्यूब पे। तो सबसे पहले कैसे हैं आप लोग और बाकी हंस दो। अभी भाई साहब के साथ हम जा रहे हैं जरा मॉल, और टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज का दिन क्या होने वाला है, वीडियो किस चीज के ऊपर है। अबे बीच में हरकतें मत क्या करो यार वीडियो के, अबे फिर से रीटेक लेना पड़ता है और पूरा एंगल आ रहा है। पूरा एंगल मत लो, टपटप करेंगे। बहुत अश्लील लड़का जिसको कहते हैं वो है। तो मैं ये कह रहा था टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज क्या करने जा रहे हैं। तो अभी बस मॉल लॉकडाउन के बाद मत करो यार, लॉकडाउन के बाद पहली बार जा रहे हैं हम लोग मॉल। आरोग्य सेतु है तुम्हें में? आरोग्य सेतु है भाई, घुसने नहीं देगा मॉल में भाई। वो पूछते हैं अबे तो ये सब क्यों बोल रहे हो? वो पूछते हैं क्या, तो ये सब बोल क्यों रहे हो? हम तुमको बता रहे हैं, तो वीडियो में पढ़ेगा ये पार्ट सब, तो पढ़ने चलो इसको मतलब गाली देने तो अब भाई मत करना, बीच में मत करना। तो हम लोग जा रहे हैं मॉल और देखते हैं क्या माहौल है वहां का। वैसे तो अंदर शूट करने का मेरा कोई मूड तो नहीं है, इसको पता नहीं कुछ लेना है। भाई जाम है यहाँ से, इधर चल दो इधर से। तो वैसे इसको कुछ लेना है वहां पे, देखते हैं क्या करना है। अगर कुछ हुआ शूट करने लायक तो शूट करेंगे, वरना ऐसे अंदर लेनी है। अंदर शूट मत करो यार। तो देखते हैं अभी, फिर बाकी शाम को तो जहाँ पे जाना है वहां पे आपको मिलता हूँ सीधे जाके। फिलहाल अभी यार मतलब भीड़ भाड़, लॉकडाउन चाहे कोरोना है कुछ भी है, भीड़ भाड़ तो यार लखनऊ में भीड़ भाड़ तो है ही है। चलो फिर आगे चलते हैं। तो फाइनली जो मैं बता रहा था कि जहाँ पे जाना है, जो टाइटल देख के आप लोग को पता चला होगा, फाइनली मैं आ गया हूँ यहाँ पे D5 टैटू स्टूडियो। तो लोकेशन वगैरह अभी थोड़ी देर में देंगे, पहले इसका आप कभी भी इस ये मार्केट से निकले तो कुछ ऐसा बोर्ड है, ये है कुछ ऐसा है। और अभी हिमांशु भाई रेडी हो रहे हैं अपने टैटू के लिए। अभी झुमका उमका लगाएंगे सर, कौन सा बनवा रहे हिमांशु भाई, थोड़ा स्नीक पिक दे दीजिए। एक तो ये बनवा रहे हैं गिटार और फ्लावर्स वगैरह, तो इनको आज मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। आवाजें निकालेंगे, कैसी आवाजें निकालेंगे, बेहतरीन। तो अभी बस हिमांशु भाई का रेडी हो रहा है टैटू, उसके बाद मेरा रेडी होगा, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तब तक देखते हैं इनका, फिर मेरा स्टेंसिल होगा, जैसा होता है दिखाता हूँ। अभी तो यहाँ आ गए, थोड़ा पानी नहीं पी के रेस्ट करेंगे। आदि भाई कहाँ है? चाय लेंगे, कटिंग चाय लेंगे। तो ये है निडल, और कुछ ऐसी निडल होती है, ये जाता है हम लोग के हाथ के अंदर जाता है। और ये एक्सपायरी वगैरह यार देख लेना, अभी वो चीज़ पे डिस्कशन करेंगे भाई से कि कैसे कैसे क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए टैटू बनवाने के पहले। टैटू बनवाने के पहले तो सबसे पहले तो अभी इसका हमेशा ध्यान रखिए कि जो जिस शॉप पे हम जा रहे हैं कि वो प्रोफेशनल है कि नहीं है, है ना। और दूसरी चीज़ तो ये चीज़ हमेशा आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज कैसी है और गूगल से रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर गूगल से रजिस्टर्ड है तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए वो प्रोफेशनल है। तो होते क्या है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो पेड प्रमोशन कुछ टाइम के लिए कराते हैं अपना, तो गूगल पे आ जाते हैं, तो वो भी देखा जाए सर्टिफिकेट उनके पास नहीं होता है। और उस शॉप से वर्क करें जो वाकई में आपको लगे कि जिनका सर्टिफिकेट है, आप उनके प्रोफेशनली पूरा वर्क देखिए कि आपको लगता है कि पूरा वर्क से सेटिस्फाइड हैं, आप उनको पूरा विजिट करें, उसके बाद जा करके आप अपना वर्क कराइए। ऐसे कभी किसी का वर्क ऐसे मत कराइए किसी भी शॉप से जिससे आपको आने ले कल में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बॉडी में आपको कोई हार्म कर दो। अभी भैया का छोटा सा वर्क स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अभी आप देखिएगा 2 घंटे के मैं बाद आपको अपना वर्क दिखाता हूँ, फिर आप देखिएगा। और बीच बीच में मैं क्लिप देता रहूँगा, बाकी इन डेप्थ जो भी डिस्कशन है वो मेरे टैटू के टाइम, मेरे टैटू में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे उसके बीच में। बाकी जो भी बीच में है आवाज़ सुनाएंगे मेरी, ये तफरी में अभी रोइंग अभी दिखाता हूँ आप लोग को। सुई है, कोई इंजेक्शन है? अब इसी वजह ये कौन है, देसी कट्टा इन दी हाउस। अबे गया पबजी घुस। भैया सब बहुत परेशान है पबजी की बहन होने के चक्कर में। ये भैया पबजी खेलने आ रहे थे लेकिन अब नहीं हो पाएगा। तो भैया ऐसे एक प्रोफेशनल शॉप पे जाने के लिए सब सारी चीजों को आपको हमेशा इस चीज को फॉलो करना है। जितने प्रोफेशनल शॉप्स होंगे आपको वहाँ पे सब टोटल हाइजीनिक मिलेगी, और शॉप्स पे जितने भी होते हैं वहाँ पे इतना हाइजीनिक नहीं होता। हाइजीन का पूरा ध्यान बहुत बड़ी चीज है, ये सब चीजों का हमेशा ध्यान रखना। जरा सा भी अगर आपका कुछ प्रॉब्लम होती है इन्फेक्शन आपकी बॉडी के साथ होगा, ना कि किसी दुकानदार के। सबसे पहले टाइटल हिमांशु भाई का ये होने जा रहा है, तैयार है भैया?
जय माता दी। कुत्ते से मुंह बन गया अभी से। जय माता, पेट बंद कर लीजिए। ये पिचका लिया, एक बार बाहर निकालिए। ये चलो यहाँ पे भी। तो ये फाइनली एक टैटू कंप्लीट हो चुका है हिमांशु भाई का। और भाई क्या लग रहा है आप लोग खुद देख के बता सकते हैं कि कितना सही लग रहा है। डिटेल में लाइट, हाँ ऐसे देख लो थोड़े देर स्क्रीन टिल्ट करके आप लोग। ये पूरा यार बहुत सही लग रहा है। इसकी फोटो हिमांशु भाई अपने इंस्टाग्राम और D5 टैटू के इंस्टाग्राम पे पड़ जाएगी। ये रहा D5 टैटू का इंस्टाग्राम लिंक, ये रहा हिमांशु भाई का इंस्टाग्राम लिंक। यहाँ पे दोनों का आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके टैटू कलेक्शन हर चीज देख सकते हो। हम बता रहे कैसे क्लियरिटी आएगी, आप बता रहा हूँ मैं। अब इनका बनना है दूसरा टैटू भैया। अभी मेरा भी बनना है भाई, मेरा तो बहुत बड़ा टैटू है, मस्त एकदम सरप्राइज। और ये थोड़ा डिटेल में देख लो आप लोग कितना सही लग रहा है यार। ये देखो भाई क्या नेक्स्ट लेवल लग रहा है। आपको कैसा लगा? खतरनाक, मस्त। आदि भाई कैसा है? अरे एक नंबर। बताओ तो पुराना था क्या? पुराना इनके छोटा सा गिटार था जिसमें तार नहीं थे। मेले में बनवाए थे ₹15 में। तो बस ऐसे ही कुछ है, बेहतरीन सा। इसकी फोटो आप इंस्टाग्राम पे देखिए, वो कलर्स यार निकल के अभी इतने आ रहे हैं, हील होने के बाद कितना सही लगना है। अभी पता है, अभी इसमें जो डिटेलिंग देखिए, ये जो ऐप था ये वाला हल्का सा ऐप जो था, ये भी हल्का सा मैंने शेड में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो हल्का सा जो माइनर, ये जो आपको देखिए माइनर आपको यूँ दिख रहा है, कोई चीज आपको भी पता है, मुझको भी पता, सबको पता है, बाकी नए इंसान को इसी नहीं पता। नहीं नहीं तो वो कुछ वो नहीं लग रहा, और नहीं लग रहा। दूसरा कौन सा बनना है आपका? ये अभी स्टेंसिल इधर हुआ, 5 नंबर का आंसर है, ये अभी बनेगा। तो अभी इस पे अभी तो ये मेरा टैटू था जो अब इसके ऊपर कवर अप होने जा रहा है, और करके लास्ट में इन्होंने पता नहीं कहाँ से बनवा लिया ये टैटू खराब। नमक छोड़ो, मुंह खोलिए, कट कर दी जा रही है। मैं बैठना चाहिए। तो भाई कुछ ये है हमारा टैटू, कैसा है? सही है एकदम, मस्त। अब तो बनने के बाद पता चलेगा। ये है, इनका नाम है हिंगी लीलू। नहीं 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 नहीं, गफूरा। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, बहुत सही है। तो बज रहा है रात का 11:42, 2 सितंबर। टैटू कुछ ये बनेगा, यहाँ से बनेगा, और भाई हमारे बना रहे हैं। हेलो, ठीक है ये है भाई, एकदम हालत टाइट होने वाली है। अब 3-4 घंटे 5 घंटे के लिए कम से कम, हाँ 4-5 घंटे 4-5 घंटे 5 घंटे, हाँ 5 घंटे में। मतलब ये मान के चलिए अभी क्या टाइम हो रहा है, 12 बज रहा है सुबह, 5 सुबह समझ लिए 5:30-6 बजे तक आप सबको। तो ये वन सेटिंग में रहेगा कि वन सेशन में आपको पूरा टैटू कम्प्लीट करूँगा। और मतलब आप सभी लोगों को दिखाने के लिए एक इतना अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ। भैया के पहले से ऑलरेडी एक टैटू बना हुआ था, उसको हाइड करते हुए एक टैटू बना रहा हूँ, पोर्ट्रेट टैटू स्कल के साथ। ये है स्कल पोर्ट्रेट, ठीक है। उसके फेदर्स बड़े लंबे लंबे हैं, शुरू होने आ रहा है। हाँ ये सब आप थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी आप टैटू बनवाने जाइए, इंक कप कलर प्रिकॉशंस ग्लव्स सब चेंज, सारी चीजों को आप हमेशा ध्यान रखिए। चाहे जितनी बार भैया रुक रहे हैं उतनी बार ग्लव्स चेंज कर रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। बाकी लड़का हमारा चालू हो रहा है, वैसा वाला मुंह बना के दिखाओ जरा। नहीं ओके, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, काम स्टार्ट हो रहा है। तो भैया 12:37 हो गया, थर्सडे लग गया है, सुबह का हो रहा है, और आइए देखते कितना काम हुआ है। फेस का थोड़ा काम हो गया है, फेदर हो गए हैं, अभी तो टाइम लगना है यार बहुत। अभी हमारे टैटू ने ब्रश किया है, ये देखिए, अभी तो टाइम लगना है भाई। फेदर फेदर दिखाओ जरा से, फेदर का ये रखा काम ये है। चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर मुंह बना के दिखाओ जरा, मैंने करा। भाई अभी इतना टैटू बन पाया है, 2 घंटे अप्रोक्स हो गए काम करते करते।
तो अभी ये कवर अप टैटू हो रहा है जितना हो पाया है, बाकी अभी होना रह गया है यार ये फेस है, सही लग रहा है अभी तो, पूरा हो जाता है फिर दिखाता हूँ। 3:09 हो रहा है AM और ये 8 बजे से काम करना बैठे थे, अभी बज रहा है 3:09। आँखों में जरा भी नींद नहीं, आँखों में नींद, लड़के सब जग रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया टैटू निकल रहा है लेकिन बहुत पेन हो रहा है एक्सट्रीम, लेकिन हाँ यार नो पेन नो गेन। तो भाई भी लगे हुए हैं, दोनों का सपोर्ट मिल रहा है बराबर, और भाई हम लोग भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूस लेते हैं, आप देख रहे हैं काम हो रहा है। बहुत अच्छी चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, जो यहाँ पे जो जिस चीज़ को कवर करना था वो सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, ऊपर का वर्क डन है, सिर्फ और सिर्फ नीचे का वर्क बाकी, ऊपर की टोन नीचे की टोन मुझे मिलानी, फिर इसके बाद जब लास्ट मोमेंट होगा वो आपको दिखाऊंगा। अभी बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है, मतलब मेरे वर्क किस तरह से रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फेस को देखिए ज़रा सा भी कहीं फेस है स्कल डाला गया है उसको छुपाने के लिए डाला है, देखिए ये था, ये सब है ये हल्का छुपाने के लिए डाला गया। अभी जो अब जो चलेगा लास्ट कोटिंग चलने जा रही है व्हाइट कलर की, उससे क्या होगा जो आपका जो हल्का से जो ब्लैक जो नीचे का आपका टैटू था वो आप एकदम ही नहीं बता पाएंगे इसके नीचे कुछ था भी, फिर उसके बाद सबसे आखिरी जो ब्राउन टच चलेगा जो आपके मोतियों में होगा, बहुत माइनर सा खाली होगा मोतियों में, उससे भी आपको देखने में टैटू में थोड़ा सा और जान आ जाएगी। पूरा शोल्डर चल रहा है यार। चलिए बाकी भाई की डिटेल जो भी होगी वो आपको इसमें मिल जाएगी, अब सब दे देंगे यार वीडियो का। अभी भाई अभी कट करो बहुत ओवर ये मैं तो भी दिखा दूँ, ये है D5 टैटू। अरे सब स्टार्टिंग में देख चुके हैं, देखिए क्या 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 बता, कुछ बता रहे क्या? नहीं नहीं, नहीं, नहीं। तो यार टैटू कंप्लीट हो चुका है, अभी रैप हो गया है बस, और टाइम क्या हो रहा है, टाइम साढ़े पाँच हो रहा है, 11 बजे शुरू किया था, और थैंक्स टू भाई जिन्होंने कंप्लीट किया इतने डिटेल में, इतने ज़्यादा डिटेल में टैटू किया। अब मैं इंस्टाग्राम पे फोटोज़ डालूंगा, स्टोरी में डाल चुका हूँ, और D5 टैटू स्टूडियो का इंस्टाग्राम लिंक यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ पर मेरा आ रहा होगा। टैटू से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ भी A to Z है, तो आप इंस्टाग्राम पे इनके जाके मतलब आप पूछ सकते हैं DM करके। बाकी शॉप का एड्रेस कहाँ है, गूगल मैप्स की लोकेशन वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ देख लेना। और प्राइस से रिलेटेड कुछ भी बात करनी है आप डायरेक्ट भाई से बात करिए, और अगर मेरे थ्रू आ रहे हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, और साथ साथ जो भी हमारे जो बेस्ट ऑफर रहते हैं भाई लोग के जरिए वो आपको ऑफर बिल्कुल मिलेगा, और बेस्ट से बेस्ट ऑफर मिलेगा, बिल्कुल सारे ऑफर्स। और जिसको भी टैटू कराना है यार यहाँ वो अच्छे से समझो, अगर नहीं भी समझ में आए तो भी एक बार आके बैठ के, अगर आपके मन में है कि फ्यूचर में कभी कराना है या कोई डिज़ाइन देखना है तो आप डायरेक्टली यहाँ आके भाई से मिलिए, आदिल भाई से, और पूरा डिस्कस करिए नेचर वाइज, आपको मतलब सब सही लगेगा, कुछ गलत नहीं लगेगा, यहाँ आके डिस्कशन करें उसमें तो, कंसल्ट कर सकते हैं आप। हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप खाली आप टैटू कराने हैं, आप एक बार आइए 5 मिनट के लिए, विजिट करिए, शॉप देखिए, मेरा वर्क कैसे, मेरा काम कैसे, मेरा स्टूडियो कैसे, उससे देख करके आपको सारी चीज़ों का अंदाज़ा लग जाए कि मैं सही शॉप पे हूँ कि नहीं हूँ। और यहाँ पे खाली टैटू होते ही नहीं, रिमूव भी होते हैं, जो कि हर जगह लखनऊ में फैसिलिटी नहीं मिलती। तो यार एक बार पेज विजिट करके देखो इंस्टाग्राम, और वहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। बाकी पियर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत मतलब वाइड रेंज है, आप एक बार पेज पे जाके देखो, डायरेक्ट आदिल भाई से बात करो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एक बार थैंक्स फिर से कहना चाहूँगा आदिल भाई को, जिन्होंने इतना डिटेल में काम किया और इतने अच्छे से हम लोग को ट्रीट किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कुछ भी हो नीचे कमेंट करना यार, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। विपराग भाई बचाओ यार।